मध्य प्रदेश के कसराबाद में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। कसराबाद के आदर्श नगर का यह मामला है। 21 दिन पहले हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 युवक जख्मी हो गए थे, जिसमें 2 युवकों को कसराबाद के प्राथमिक चिकित्सालय में उपचार के बाद छुट्टी कर दिया गया। एक युवक गंभीर रूप से बीमार चल रहा था, जिसकी आज मौत हो गई। शकील कुमार इस युवक का नाम है। गंभीर रूप से घायल हुआ था, लगातार इलाज में था। गंभीर हालात में उसकी स्थिति चिंता बनी हुई थी। आखिरकार आज उसकी मौत हो गई। तकरीबन 20-21 दिन पहले हमारे मोहल्ले में हसन खान नामक एक व्यक्ति के घर पे, हमारे मोहल्ले के 2-3 लोग काम कर रहे थे, छत पे बैठे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे, तो उनके घर के पीछे से ही हाई टेंशन लाइट निकली हुई है उनकी, और जिसके कारण हमेशा खतरा बना रहता था। हम मोहल्ले वासियों ने कई बार शिकायत भी करी, कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन MPP ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जिन 3 लोगों को करंट उस दिन घटना वाले दिन लगा था, उसमें से एक व्यक्ति शकील खान नाम के एक व्यक्ति खरगोन में भर्ती थे, और आज उनकी इस दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है। और इसमें पूरी लापरवाही मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की है। इसके पूर्व हम लोगों को शिकायत तकरीबन मोहल्ले के सैकड़ों लोग 2-3 मरतबा जा करके अधिकारियों के ध्यान में ये विषय ला चुके। आपको क्या जवाब मिला वहाँ से? हमेशा हिले हवाले दिखवाते हैं, होता है, पर आज तारीख तक मामला पूरा सिफर रहा, कोई परिणाम नहीं है। आपकी शासन से क्या मांग है? हमारे शासन से यही मांग है कि वो जो परिवार है जिनके घर पे आज मृत्यु हुई है, बेहद ही गरीब परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में अब कमाने वाला कोई शेष नहीं है। नगरवासियों की यही शासन से मांग है कि जो भी उसके परिवार को क्षतिपूर्ति और मुआवजा राशि दे सकते हैं वो दे, अन्यथा हम पूरे जनबल के साथ में आंदोलन करेंगे इस विषय पे। अपना नाम बताएं। अवधेश पवार, कसरावत। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में पंचायत और ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा शनिवार को खरगोन दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रीहा पी से ली। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो कमांड कंट्रोल सेंटर अच्छा चल रहा है, हर एक व्यक्ति से दिन में 2 बार बात हो रही है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी है, और मरीजों का भी कहना है कि जो घर पे भी है उनका देख रेख ठीक है। सर, खरगोन जिले में भी लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मौत भी इसमें बढ़ती जा रही है, अब किस प्रकार के सर अवेयरनेस के निर्देश दिए गए? देखिए, इसमें डॉक्टर्स को, अधिकारियों को बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, और साथ में जो भी हमारी RRT टीम्स हैं, MMU टीम्स हैं, वो सक्रिय रहेंगी, आवश्यकता अनुसार उनको भी बढ़ा सकते हैं। साथ में जो डॉक्टर्स हैं, अगर इंडोर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो उन पेशेंट्स की भी केयर करेंगे। नया ICU बन रहा है यहाँ पे, 2-3 दिन में वो भी सक्रिय हो जाएगी। वहीं UP के हाथरस का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी 3 दरिंदों ने नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक गैंगरेप के मामले को अंजाम दिया है, और इस घटना के खिलाफ लोगों में यहां भी आक्रोश भड़कने शुरू हो गए हैं।